गांव की स्थिति और आवश्यकताओं को एबीपीएस न्यूज के माध्यम से सरकार तक पहुंचाने का सिलसिला जारी रखते हुए एबीपीएस न्यूज टीम का अगला पड़ाव जनपद संभल के ब्लॉक असमोली में स्थित टांडा गांव पड़ा। वर्तमान में गांव के प्रधान शिव शंकर हैं। लगभग 5600 की आबादी वाली यह ग्राम पंचायत जिला मुख्यालय से 20 किलोमीटर दूर तो वही ब्लॉक से इस गांव की दूरी मात्र 5 किलोमीटर ही है। लगभग 2300 वोटर वाला यह गांव विकास के पथ पर अग्रसित है। गांव में लगभग 700 राशन कार्ड धारक है। बात अगर शिक्षा के स्तर की जाए तो गांव के जूनियर एवं प्राइमरी स्कूल में लगभग 210 छात्र छात्राएं अध्ययनरत हैं। गांव में पेयजल आपूर्ति व्यवस्था दुरुस्त करने के लिए 40 हैंडपंप गांव के प्रधान द्वारा लगवाए गए हैं तथा 25 हैंडपंप सरकार से और लगवाने की मांग है। इसी के साथ ही विद्युत व्यवस्था दुरुस्त करने के लिए 150 विद्युत पोल, 6 विद्युत ट्रांसफार्मर व सोलर लाइटें भी गांव में लगवाई गई हैं। बात अगर विकास कार्यों की जाए तो वर्तमान प्रधान द्वारा गांव में 10 सीसी टाइल्स रोड, खडंजे, पानी निकासी के लिए नाला, आंगनबाड़ी केंद्र, प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत 7 आवास, स्कूल में शौचालय व स्वच्छ भारत मिशन के तहत 50 शौचालयों का भी निर्माण कराया गया है। एबीपीएस न्यूज टीम से बात करते हुए ग्राम प्रधान ने गांव में सीसी टाइल्स रोड, पंचायत घर, स्वास्थ्य केंद्र, बारात घर, स्वच्छ भारत मिशन के तहत 400 शौचालय व प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत 200 आवासों के निर्माण की मांग राज्य व केंद्र सरकार से की। मैं शिव शंकर, ग्राम पंचायत टांडा, प्रधान विकास खंड असमोली का रहने वाला हूँ। मैंने अपने गांव में जो विकास कराया है बिल्कुल सही कराया है। जो धनराशि मुझे मिली है उसका बिल्कुल सही प्रयोग किया है। मैंने अपने गांव में सीसी टाइल्स की सड़कें डलवाई हैं, कुछ खड़ंजा डलवाए हैं, काफ़ी अच्छे ढंग से काम कराया है। अपने गांव में स्कूल में आंगनबाड़ी केंद्र बनवाया है। गाँव के प्राइमरी और जूनियर हाई स्कूल के दोनों के शौचालय फर्स्ट क्लास बढ़िया करके सही कराए हैं। आंगनवाड़ी केंद्र का शौचालय बनवाया है, पेशाब घर बनवाया है, वॉश बेसिन बनवाया है, सारे काम कराए हैं। गांव में बिजली की आपूर्ति सही कराई है, 110 केवी का ट्रांसफर और सब कुछ खंबा सही कराए हैं। लेकिन मेरे गांव में अभी काफ़ी कमी चल रही है क्योंकि मेरे गाँव में निर्माण कार्य को देखते हुए पैसा कम आ रहा है। बिल्कुल मैं सोचता हूँ कि मेरे गाँव में अगर सही पैसा आए तो मैं अपने गाँव का भविष्य बना दूँ। मेरे गांव में ना ही तो बारात घर है, ना अस्पताल है, ना पंचायत घर है और गांव के जितने भी साइडों के नाले हैं बिल्कुल बेकार पड़े हैं। जो मैंने बनवाए हैं वो बनवा चुका हूं लेकिन अभी भी काफ़ी नालों की कमी है। गांव में रास्ते बिल्कुल बेकार हैं, जर्जर हैं, बहुत पुराने खड़ंजे बने हुए हैं। लेकिन मैंने काफ़ी काम कराया है और कराता भी रहूँगा। जो भी पैसा आएगा मैं ये शपथ खाता हूँ कि जो काम कराऊँगा बिल्कुल सही कराऊँगा। और मेरे गाँव में मैंने अपने गांव में 7 आवास बनवा दिए हैं लेकिन अभी भी मेरे गांव में लगभग 150-200 अपात्र ऐसे लोग हैं जिन्हें आवास की ज़रूरत है। मेरे गांव में मैंने अपने गांव में 50 शौचालय का निर्माण करा दिया है लगभग। फिर भी मेरे गांव में दलित बस्ती है जहां लगभग 400-500 शौचालय कम से कम होने चाहिए। मेरे गाँव में बारात घर की इतनी समस्या है कि वहाँ कोई बारात रुकने के लिए जगह नहीं है बिल्कुल भी, जहाँ बारात घर का होना बहुत ज़रूरी है। लगभग मेरे गांव से 6-7 किलोमीटर जन स्वास्थ्य केंद्र है और मेरे गांव में एक अस्पताल छोटा ज़रूरी होना चाहिए और ना ही पंचायत घर है। पंचायत घर की बहुत समस्या है।